रियासत से फलस्तीन है, इसराइल नापाक वजूद है। जो दो रियासती हल की बात करेगा, कायदे आजम का गद्दार होगा, उम्मत का गद्दार होगा, पाकिस्तान का गद्दार होगा, मुसलमानों का गद्दार होगा, मस्जिद अक्सा का गद्दार होगा, कोई दो रियासती हल नहीं। काकर साहब नहीं जानते तो पढ़ो, कायदे आजम की तकरीरों का मुताला करो। मुजाहिमत बैन अल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक है, यूएनओ के चार्टर के आर्टिकल 51 के मुताबिक है, शरीयत के तकाजे के मुताबिक है, कुरान की पुकार के मुताबिक है। लोग कहते हैं हमला क्यों किया, तो फिर क्या करेंगे वो मरते रहे बैतुल मक़दस में, मस्जिद अक्सा में सहूनी दंदनाते फिरे, माओ बहनों को मारते रहे, बच्चों को शहीद करते रहे। हम उनकी जुद्दोजहद को, मुजाहिमत को सलाम पेश करते हैं। अगर दुनिया में हर ताकतवर के आगे जेर हो जाना होता तो फिर इमाम हुसैन क्यों मुकावमत करते। आज इमाम हुसैन की मुकावमत जिंदा है। मुस्लिम हुक्मरानों गैरत पकड़ो, गैरत पकड़ो, मुसलमानों का साथ दो, मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए काम करो।